सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग देख रहे हैं वापस ऐसे ब्लॉग। ऐसे ब्लॉग्स का मतलब होता है सैयद फलक ब्लॉग्स। तो आज काफ़ी आज आए थे, मतलब दूसरे तीसरे दिन है आज लेने के बाद, तो आज आए थे। आज मैं आप लोग को होम टूर देने वाला हूँ। आज हमारे साथ ये हैं सोनू, जिनको आपने उसमें देखा था इनर वियर में। वो नहीं है, वही है, लगा देंगे फोटो में, चश्मा नहीं था। तो अभी हम होम टूर देने जा रहे हैं, तो चलिए अब सोनू वीडियो संभालेगा, हम करते हैं। तो एंट्री यहाँ से शुरू होगी। इस मतलब मैं आज आपको वो दिखाना जो हमको रॉ मिल रहा है, तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं इसको थोड़ा चेंज करा दूँ। तो ये एंट्री है, ये एक छोटा सा पैसेज है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस घर में सिर्फ एक ही जगह है जो पूरे दिन भर में हमें लाइट की ज़रूरत है, वो है ये पैसेज, कि यहाँ पे अगर हमको लाइट की ज़रूरत है तो है, वरना उसके बाद दिन भर में तो हमको घर में लाइट की ज़रूरत नहीं। वो पैसेज से निकलने के बाद सबसे पहला रूम ये आता है, तो ये पूरा इस तरीके से बना हुआ है। छोटे मोटे सामान अभी लाके मैंने डाले हुए हैं, ऐसा टाइप का है ये, 10x13 का है। और ये अटैच बाथरूम है, इसमें वॉशरूम बना हुआ है, इसमें भी छोटे मोटे काम होंगे। ये लगा हुआ है, मैंने देखा ही नहीं। सबसे पहले यही रह गया। तो अभी जैसे इसमें कुछ काम बचे हुए हैं, जैसे कि वो अब वो खराब हो चुका है, वो बंद था, तो इसको भी चेंज कराना है। यहाँ पे पेंट होगा, यहाँ पे अगर कुछ जिसका भी ये कमरा होगा उसको अगर जैसा भी बनाना हो तो वो बनाएंगे। तो ऐसा कमरे में दो एंट्री गए और एग्जिट के दिए गए हैं, एक इधर दिया गया है और एक इधर दिया गया है। और ये चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हो, और चाहे तो यहाँ पे आप डायरेक्ट हॉल में जा सकते हो। और इधर है पूरी वासी एकदम, फिर भी ओपन करके पूरा एकदम स्ट्रेट व्यू है सामने, आप लोग व्यू देख रहे हैं, एक नंबर पूरा माल लाजवाब व्यू है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ है, आप चलते हैं वापस पैसेज की तरफ से। वैसे तो यहाँ से भी है, लेकिन इधर की तरफ चलते हैं। तो भाई अब आ गया अपना मेन हॉल, कुछ हॉल ऐसा तरीके का दिखता है। कलर को अभी इग्नोर करिएगा, पिंक कलर मुझे भी पसंद नहीं है, ना घर में किसी को पसंद आ रहा है। वैसे तो कलर नया नया अभी जस्ट हुआ है, लेकिन कोई मतलब नहीं, ये कलर अच्छा नहीं लगता मुझे बिल्कुल भी। तो ये कलर चेंज हो जाएगा, और कुछ इस तरीके का है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मान लीजिए मुझे फिटिंग कराना है, तो इसमें सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे एसी का वेंट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे लाइट्स लगाने का ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे स्विच बोर्ड के लिए पास यहाँ मिल जाएगा, तो ये सब ऑप्शन दिए गए हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है ये किचन, क्योंकि सबसे घर का पसंदीदा चीज़ अगर कुछ होती है तो किचन होती है। यहीं से खाना बनेगा, यही मम्मी ज़्यादा रहेंगी, तो ये किचन अच्छा होना चाहिए। तो ये किचन हमको मॉड्यूलर के साथ मिल रहा है, बस ये थोड़ा कलर मुझे नहीं पसंद आया, अलग 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 अलग। मैं थोड़ा इसको एकदम क्लियरिटी के साथ अच्छा वाला कलर बनाऊँगा। तो ऐसा कुछ करके है किचन पूरा अच्छा बना हुआ है, पूरा ऐसे करके बना हुआ है। उसके बाद सामने किचन के जस्ट बाहर किचन, अगर आपका मतलब लाइट में हो तो बहुत अच्छा होता है। तो सामने पूरा बालकनी है, और फिर ओपन ओपन किचन का जैसे हर चीज़ होती है भाई। ये किचन की तरफ से है, यहाँ से आपका बाहर का पूरा व्यू है। हाथ ना मार देना, गिर जाएगा सारा व्यू एक ही बार में दिख जाएगा, फिर नए व्यू दिखाना पड़ेंगे। तो आइए चलते हैं इधर। वो कार खड़ी है सैम, बहुत महंगी है, घर जाएगा तेरा इसमें। अरे तो दो रूम के साथ अटैच बाथरूम है, और एक रूम के साथ नहीं है, वो कॉमन है। तो आइए वो भी दिखा देते हैं। पहले ये रूम दिखो, ये रूम है एक, इसमें सब कुछ फिटिंग के साथ है, यहाँ पे प्लस बालकनी भी है। और मे भी ये रूम मेरा हो सकता है, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी लाइटिंग आएगी, क्योंकि रहना तो इनको गरीब है सिर्फ क्लियर। इसमें सबसे अच्छी लाइटिंग यहीं पे आएगी, तो मेरे वीडियो बनाने में और काफी चीज शूट करने में काम आएगा। बार मचो, इधर गंदा हो जाएगा, जल्दी यार अभी अभी वो किया था।
ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ व्यू आएगा। अभी ये सब साफ करना, अभी सिर्फ मैंने घर घर साफ किया है सुबह, बाकी बाद में साफ करेंगे। साथ में ये बना हुआ है कुछ ऐसा करके थोड़ा सा ऐसे बड़ा बढ़िया। अब तो इधर अटैच बाथरूम नहीं है तो वो बाथरूम इधर है, तो ये दूसरे के कमरे में जाके आपको। अच्छा, मैंने वहाँ से लाइट बंद करी हुई है। ये ऐसा है, ये है मास्टर बेडरूम। ये मतलब सबसे बड़ा और सबसे अच्छा बेडरूम है यहाँ का, जो कि मास्टर बेडरूम है। और ये जाहिर सी बात है अपने अब्बा का रहेगा। और ये कुछ इतना बड़ा है, यहाँ पे भी गैलरी का ये दिया गया है विंडोज का ऑप्शन। लाइट इस घर में सबसे अच्छी बात ये है कि लाइट की कमी नहीं होगी, पूरे दोपहर पर आपको लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा रोशनी रोशनी रहेगी, ये अच्छा है। अब यहाँ का आप वॉशरूम देखिए, वॉशरूम प्लस बाथरूम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। चाहूँ तो मैं यहाँ पे पूरा यहाँ पे अच्छा सा एक बाथटब लगा सकता हूँ। लेट के दिखाओ कितना बड़ा है। मेरी हाइट जितनी, मेरी हाइट से ज्यादा बड़ा है। लेट की फॉर द कंटेंट ब्रो, यहाँ लाइट चलो, लाइट बाथटब रख सकते हैं हम लोग। लाइट नहीं चलती क्या? अरे हमने सब वहां से बंद किया हुआ है। ये है, ये सिंक है, जैसे कि आप लोग को पता नहीं होगा। यहाँ पे ये ऑप्शन दिए गए हैं उसके, अच्छा। शूज रखने के लिए यहाँ शूज रख, शूज रखने और ये रखने बंद कर दिया का, बंद कर दिया ऐसा कुछ। जो सेम वहाँ पे बना हुआ है सेम यहाँ पर भी है, वो मम्मी ने बंद कर दिया ना, मम्मी का रूम है दोनों ने पहले बंद कर दिया। तो कुछ इस तरीके का रूम है और इस तरीके का घर है हमारा। खरीद लिया कुछ इस तरीके का घर है हमारा। तो होप सो आप लोग को अगर घर पसंद आया हो तो वेट करिएगा, इस घर में काफ़ी चीज़ें मैं कराना शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि सब कुछ जिम्मा मेरे हाथ में ही रहेगा। यहाँ पे सारा डेकोरेशन से लेके हर एक चीज़ मैं ही करूँगा। तो अभी आप देख लो, फिर उसके बाद वो अलग ब्लॉग देखना जब सब कुछ बन के तैयार हो जाएगा। चलिए सब्सक्राइब मार दीजिएगा, बाय बाय।